वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम पढ़े थे जैनिज्म के बारे में, ठीक है। हमने टोटल 24 तीर्थंकर जो हैं जैनिज्म के उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। पहले कौन थे, आदिनाथ या ऋषभनाथ, जिनको हम ऋषभदेव भी कहते हैं। इन सबके सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था बुल, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट थे अजीतनाथ एलिफेंट। फिर आपके अरिष्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो 22वें नंबर के हैं, इनका कौन सिंबल है। फिर 23rd पार्श्वनाथ का सरपेंट और महावीर जो लास्ट है उनका सिंबल क्या है, लायन है, शेर है उनका सिंबल, ठीक। ये थे आपके जैनिज्म के 24 तीर्थंकर और उनके सिंबल। अब पढ़ेंगे महावीर स्वामी जो लास्ट तीर्थंकर थे, 24वें जैनिज्म के तीर्थंकर थे। हम कहेंगे तीर्थंकर क्या यानी फाउंडर, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में आज, ठीक। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनका जन्म हुआ 599 BC या फिर 540 BC के अराउंड हुआ। कहाँ पे, कुंड विलेज नियर वैशाली, तो शॉर्ट में क्या है, वैशाली में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, माता का त्रिशाला, वाइफ का यशोदा। डेथ कब हुई उनकी, 527 BC में, कहाँ पे, पावा, ठीक है। अब महावीर स्वामी चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्धमान किस जो है तीर्थंकर का नाम है या फिर उनको किस नाम से, किस तीर्थंकर को वर्धमान नाम से भी जाना जाता है। तो महावीर स्वामी जो आपके 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं उनको जो है वर्धमान नाम से जाना जाता है, ये उनका बचपन का नाम था, ठीक। हिज वाइफ यशोदा गेव बर्थ टू हिज डॉटर प्रियदर्शनी हु वॉज मैरिड टू जमाली सन ऑफ महावीर स्वामी सिस्टर सुदर्शना, ठीक। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हिज एल्डर ब्रदर आनंद वर्धन बिकेम द किंग ही लेफ्ट द थ्रो होम। इन्होंने कितने एज पे जो है अपना घर का त्याग कर दिया, एट द एज ऑफ 30 विद परमिशन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। हिज हार्श पीनियंस इज डिस्क्राइब इन द जैन स्क्रप्चर अचरांग सूत्र, ठीक है। अब क्या आता है आपका, महावीर स्वामी अटेंड कैवाली। कैवाली क्या, एक्सट्रीम नॉलेज, हम जैसे कहेंगे कि जो है एनलाइटमेंट हो गया। अंडर द ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नियर द विलेज कॉल्ड जम्भिक ऑन द 10th डे ऑफ वैशाख मंथ आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ रिगरस पीनियंस। अब क्या है यहाँ पे, महावीर स्वामी ने जो एनलाइटमेंट अटेंड की, जो कैवाल्य मिला, जो उनको एक्सट्रीम जो है नॉलेज मिली, कब मिली, एक जो है पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे रिवर के किनारे, किस में, किस विलेज के किनारे, जम्भिक, ठीक है, जम्भिक विलेज के किनारे। और जो वैशाख महीने का 10वां दिन था उस दिन इनको एनलाइटमेंट मिली, कब, 12 साल की कठोर तपस्या की है इन्होंने, ठीक है, 12 साल के कठोर तपस्या, रिगरस, बहुत ज़्यादा तपस्या 12 साल की, उसके बाद जाके इनको क्या हो मिलता है, ये कैवाल एक्सट्रीम नॉलेज या एनलाइटमेंट अटेन करते हैं, ठीक। ही वॉज कॉल्ड महावीर बिकॉज ऑफ हिज स्टेड फास्टनेस इन हिज प्रैक्टिस एंड हिज इनक्रेडिबल हेल्थ स्ट्रेंथ सॉरी आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट महावीर गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट लार्ज राजगृह। अब यहाँ से ये जो लाइन्स है ये बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला सर्वन कहाँ पे दिया, राजगृह में, ऑन द बैंक ऑफ वाराकरंदी ऑन विपुलाचल हिल। हिज फर्स्ट डिसाइबल वॉज जमाता जमाली। कौन था इनका पहला डिसाइबल, जमाली। अब यही जो इनका सन इन लॉ था वही इनका जो है डिसाइबल भी था, ठीक है। किंग चेतक ऑफ वैशाली हु वॉज ऑल्सो हिज मैटरनल अंकल बिकेम हिज डिसाइपल। क्या था, इनके डिसाइपल पहले कौन थे, जो इनके मैटरनल अंकल थे, ठीक है, वो थे इनके डिसाइपल। फिर आता चंपा नरेश दादी वहन। कौन थे, चंपा नरेश दादी वहन, ऑल्सो बिकेम हिज डिसाइपल। हिज फर्स्ट नन वॉज मून द डॉटर ऑफ दादी वयाना। त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, सम्यक फिलोसफी, सम्यक नॉलेज एंड सम्यक कंडक्ट। ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म भी बोलते हैं। क्या क्या है, सम्यक ज्ञान यानी सम्यक नॉलेज, सम्यक कंडक्ट और सम्यक फिलोसफी, राइट नॉलेज, राइट फिलोसफी, ठीक है, राइट कंडक्ट, राइट डीड्स, ठीक है, सम्यक फिलोसफी, सम्यक नॉलेज, सम्यक कंडक्ट, ये क्या है, थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग फाइव महाव्रताज हैव अ लॉक। अब पांच महाव्रत कौन से हैं, ट्रुथ, हमेशा सच बोलिए, नॉन वायलेंस, असत्य, अपारिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है।
पहले जो चार आपके महारत्न हैं वो पहले से ही थे। महावीर ने ब्रह्मचार्य को क्या किया, फिफ्थ वाव यानी पांचवा रत्न महावीर ने ऐड किया है, क्या सेलिबेसी का या ब्रह्मचार्य का। ठीक है, क्या है ये, कौन कौन से हैं पांच महारत्न, महाव्रतास, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, असेत, अपारिग्रह और ब्रह्मचार्य। ठीक है, बाकी और जो डिटेलिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।